एक ही ब्लड को चार लोगों पर कैसे इस्तेमाल किया जाए विषय को लेकर मेडिकल कॉलेज में हुआ कार्यशाला का आयोजन। जबलपुर के दो एक्सपर्ट सहित सैकड़ों डॉक्टर ने ली ट्रेनिंग। रीवा के मेडिकल कॉलेज में एक दिवसीय ब्लड वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें जबलपुर से आए एक्सपर्ट डॉक्टरों ने प्रोजेक्टर के माध्यम से मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को बताया एक ही ब्लड को अब जरूरत के अनुसार चार लोगों में प्रयोग किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अब लोगों की जान बचाना और भी आसान हो जाएगा। ये सेमिनार जो है कंपोनेंट ऑफ ब्लड, इस विषय पर हम किया गया है और मेरे पास में जो एक्सपर्ट्स आए हुए हैं मेडिकल कॉलेज जबलपुर से आए हुए हैं डॉक्टर शरद कुमार जैन, प्रोफेसर ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन जबलपुर से आए हुए हैं, वो इस पर स्पीच देने हैं, स्पेशल स्पीच देना है। अभी ब्लड एक ऐसे कंपोनेंट है, एक ऐसी विधा है कि जो किसी भी व्यक्ति को जो बहुत सीरियस होता है उसको उसके सहारे उसको लाइफ दे सकते हैं। ये हमारा मेन मुद्दा है और इसके साथ में रिस्क भी बहुत सारी होती है और ये रिस्क के बारे में डॉक्टर्स की जानकारी होना अति आवश्यक है ताकि हम उसका सही उपयोग कर सकें। इसी दिशा में शासन ने ये रैशनल यूज़ ऑफ ब्लड का कार्यक्रम रखा है और मुझे इस विषय पर चर्चा के लिए बुलाया गया है। एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव द बेस्ट इंफॉर्मेशन जो चिकित्सक वर्ग को काफ़ी फायदा दे सके। कितने दिवस चलेगा सेमिनार? एक दिन का है ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक दिन का है। इसमें सभी मेडिसिन के डॉक्टर्स, गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, एनेस्थेटिस्ट, ये सभी ब्रांचेस के डॉक्टर्स इन्वाइटेड रहते हैं सो देट दे कैन डिस्कस, दे कैन इम्प्रूव दी ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज। तीन लोगों को दे सकता है, एक तो पैक्ड सेल दे सकता है वो जो थैलेसीमिया की कंडीशन में दिया जाता है, एनीमिया की कंडीशन में जिसमें हीमोग्लोबिन वगैरह की डिफेक्टिव हो या कमी हो। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो है तो उसको दो भागों में तोड़ा, प्लेटलेट्स जो हम जैसे डेंगू के पेशेंट्स हैं, मलेरिया के पेशेंट जिनमें प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं उनको दिया जाता है। जो प्लाज्मा जो है ये बच्चों में यूजुअली दिया जाता है जिनको प्रोटीन्स की कमी है या इम्यूनोग्लोबिन चाहिए, तो उस चीज़ों में प्लाज्मा में फिर जो है हम इसको अगर बहुत डीप फ्रीज कर सकते हैं तो उसको क्रायोप्रेसिपिटेट कहते हैं इसी को, तो ये जो है 5 साल तक के यूज़ किया जा सकता है अगर एक बार निकाल दिया हमने। इस सेमिनार से क्लिनिशियंस को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचने वाला है क्योंकि ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन अपने आप एक बड़ा सब्जेक्ट है और हम लोग ही एंड यूज़र्स होते हैं, हमें कौन से मरीज को क्या प्रोडक्ट देना है, क्या नहीं देना है, कौन सा कंपोनेंट चाहिए, कौन सा कंपोनेंट कब देना है, कितना देना है, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल टू द पेशेंट्स। गुड नेम सर? डॉक्टर दिनेश पटेल, यू सर। मैं डॉक्टर सौरभ पटेल हूँ पीडियाट्रिक से। एक्चुअली हम लोग यहाँ ट्रेनिंग लेने आए कि सिर्फ ब्लड पूरा नहीं, ब्लड के बहुत सारे हिस्से होते हैं, उस हिस्सों को उसकी बीमारी के अनुरूप यूज कर सकते हैं और बच्चों में एकदम से अलग तरीके से होते हैं। जैसे बड़ों में एक यूनिट ब्लड होता है तो हमको उसका कुछ हिस्सा लेना होता है, उन्हीं संबंध में सर आज सेमिनार देंगे और हम उससे कुछ चीज़ें सीखेंगे उसी।